हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि कोई भी फाइनेंस की लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मॉर्निंग में मैं 7 से 8 के बीच में एक वीडियो पोस्ट करता हूँ, जहाँ पे हम लोग 3 इंट्राडे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं विद टारगेट स्टॉप लॉस एंड साथ में एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको फ्री में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो वो वीडियोस आप जरूर प्रीफर कर सकते हो। इंट्राडे प्लेलिस्ट है, आप जाके पहले परफॉर्मेंस चेक करो, तभी आप जाके इंट्राडे वाली प्लेलिस्ट देखना शुरू करना मॉर्निंग के 7 से 8 के बीच में। तो चलिए आज के स्टॉक्स का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। इस स्टॉक के हम लोग ब्रीफिंग देखेंगे, साथ में बाय होल्ड और सेल रिकमेंडेशन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बिकॉज ये स्टॉक ऑल टाइम हाई से काफी करेक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। क्यों हमें ये हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को मैं सीधे आपको लेके आ जाऊंगा एनएससी के वेबसाइट पे। अगर आज की बात की जाए तो स्टॉक में आपको 1.5% की तेजी देखने को मिली है। बात करें लोएस्ट पॉइंट की तो 860 रुपए, अगर बात करें हाईएस्ट पॉइंट की तो 874.45 रुपए, बात करें अगर ऑल टाइम हाईज की तो 931 रुपए, यानी 931 रुपए से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है ये शेयर अभी देखा जाए तो। चलिए और डिस्कशन को अगर आगे बढ़ाए तो मार्केट डेप्थ में आपको एक बाइंग ऑर्डर 268 क्वांटिटीज की देखने को मिल सकती है 868 रुपए के आसपास। डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 40% का डिलीवरी परसेंटेज है। टोटल क्वांटिटी की ट्रेडिंग की बात करें तो 6,41,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, 2,57,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। डिस्कशन को और आगे बढ़ाए और फाइनेंशियल पैरामीटर पर डिस्कशन करें फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, तो आपको 3 ईयर का CAGR अगर डिस्कस करें तो रेवेन्यू जो है 5.7% से इंक्रीज कर रहा है 3 ईयर का CAGR में, नेट प्रॉफिट 16.3%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12%, यानी ओवरऑल एक हेल्दी डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात डिस्कशन को और आगे बढ़ाए और एकदम एग्जैक्टली पैरामीटर्स पे जाना चाहें तो आपको जो रेवेन्यू है आपको देखने को मिल सकता है 3163 करोड़, 3806 करोड़ ईयर ऑन ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, 2017-2018, 2019 की अगर बात की जाए तो 4705 करोड़, यहाँ पे आपको छोटा सा एक डेंट देखने को मिला है 2018-20 की बात की जाए ड्यू टू कोविड पैंडेमिक 4186 करोड़ के प्रॉफिट रेवेन्यू, अगर बात करें उसके नेक्स्ट ईयर 2021 में तो आपको 4506 करोड़ की देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आपको ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग में देखने को मिला 327 करोड़, 346 करोड़, 504 करोड़, वही बात करें 2020 की तो 546 करोड़, बात करें 2021 की तो 535 करोड़, थोड़ा सा डेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की भी अगर बात कर ली जाए तो अर्निंग पर शेयर भी आपको देखने को मिल सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2017 38 रुपए 45 पैसे, 2018 40 रुपए 95 पैसे, 2019 60 रुपए 39 पैसे, 2020 30 रुपए 77 पैसे, आप समझ सकते हो ड्यू टू पैंडेमिक, और बात करें 2021 तो 30 रुपए 4 पैसे, यहाँ पे एक हेल्दी इंक्रीज आना चाहिए था बट वो हमें देखने को नहीं मिला है। अब बात करें डिस्कशन को और आगे बढ़ाएं और बात करें ये शेयर हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोला, तो ये भी विप्रो और इंफोसिस उस सेक्टर की कंपनी ना होती भी वैसी टाइप की कंपनी है जो कि बोनस किंग है। आप देख सकते हो बोनस आपको रेगुलरली 2021 2019, उससे पहले बात करें 2005, उससे पहले बात करें 1994, यानी कि लगभग 4 से 5 बार आपको बोनस की कंपनी दे चुकी है, और बोनस का रेशियो मोस्ट प्रोबेबली आपको अभी तक के डेटा के हिसाब से 1:1 देखने को मिला है, यानी आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर और आपके डीमेट में आ जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। बात करें स्प्लिट की तो स्प्लिट भी इस कंपनी ने एक बार आपको दिखाया और एक बार और स्प्लिट के चांसेस में बनते हैं बिकॉज इसकी करंट फेस वैल्यू 5 रुपीज है, तो ये एक बार और 1 रुपीज में अगर आए तो आपको एक बार और स्प्लिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा होगी। अब बात करेंगे पीयर्स कंपेरिजन की, पीयर कंपेरिजन की अगर बात करें यहाँ पर तो इस सभी कंपनियों के पी रेशियो की अगर बात करें तो आपको ये वाली कंपनी देख सकते हो, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो 96 का पी, बात करें आरती इंडस्ट्री 57, दीपक नाइट्राइट 31, गोदरेज इंडस्ट्रीज यहाँ पे 58, विनाती ऑर्गेनिक 70, टाटा केमिकल्स 78, अल्काइल एमाइन 62। तो ओवरऑल अगर सबकी कंपैरिजन करें तो आपको सेकेंड नंबर पे सबसे अच्छी कंपनी जो है, फर्स्ट नंबर पे दीपक नाइट्राइट और सेकेंड नंबर पे 57.8 के साथ आरती इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, यानी बहुत ही बेस्ट कंपनी है नजर आ रही है। साथ अब बात करें टेक्निकल पॉइंट्स पे थोड़ा सा कि आगे अब ये कहाँ पे हमें गिरती हुई दिखने को मिल सकती है,
उसके लिए मैं आपको सीधे यहाँ पे अपने ब्रोकर के पास में ओपन कर चुका हूँ, तो आपको यहाँ पे एक हेल्दी देखने को RSI मिल सकता है 51, और इसका जो सपोर्ट यहाँ पे 848 का सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर कंपनी एक सपोर्ट लेते हुए नजर आएगी अगर आगे गिरती है तो। बात करें रेसिस्टेंस की तो 898 का रेसिस्टेंस आगे कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा रेसिस्टेंस है। नियर सपोर्ट और नियर रेसिस्टेंस की बात कर चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब खैर, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। Oh, no.